रानी थोड़े से नखरे में रहती हैं हर वक्त। और दोस्तों अब ये मटकी रानी हमारी लग रहा है बच्चे भी देंगी, तो उनको डाइट का अब हमें रखना पड़ेगा ख्याल। करेला आज जो कि मैं अपने हस्बैंड को प्रिपेयर कर लगा, आपने आज स्पेशल करेले बनाए हैं। इन्होंने इतना सारा गोबर करके रखा हुआ है, इतनी सारी डिंडियां करके रखी हुई है, पहले ये सारा साफ करेंगे। यहाँ पे तो बहुत ही भयंकर बदबू भी पड़ा हुआ है, घर की सारी चीजें फैली पड़ी है। तो नमस्कार, कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं दिन की शुरुआत दोस्तों, और वैसे भी आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ कुछ तो ये चुन्नू मुन्नू की वजह से दोस्तों। और अभी अभी हस्बैंड जी तो गए हैं अब अपनी ड्यूटी पे, और अब हमारी शुरू हो जाती है घर की ड्यूटी दोस्तों। तो अभी तो मेरा लाइव आने का टाइम हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ दोस्तों। तो फटाफट अपने लाइव आने का सेटअप तैयार कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से फटाफट। लाइव में इसी छोटी सी टेबल पर बैठ के आती हूँ दोस्तों, तो फटाफट पहले लाइट लगा लेती हूँ, स्टैंड लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और वैसे भी तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो लाइव आने का स्टूडियो हमारा तैयार है, ये हमारा स्टैंड लग गया है, वो हमारी लाइट लग गई है दोस्तों। और फटाफट से अब हम आ जाते हैं लाइव, क्योंकि हमारा लाइव आने का टाइम हो चुका है दोस्तों। तो जल्दी से अब लाइव आ जाते हैं। तो हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम ये अपना स्टूडियो पहले कवर करेंगे जो कि लाइट जलती रह गई है, और ये स्टैंड। और देखो दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे कच्चा पड़ा हुआ है, घर की सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं इधर से उधर दोस्तों। पहले हम ये सारी साफ़ सफाई करेंगे, बच्चों का ये सारा खाना इधर उधर पड़ा हुआ है, और इन बच्चों ने भी बहुत आतंक मचा के रखा हुआ है दोस्तों। और देखो दोस्तों ये यहाँ पे इन्होंने इतना सारा गोबर करके रखा हुआ है, इतनी सारी डिंडियाँ करके रखी हुई हैं, पहले ये सारा साफ करेंगे। यहाँ पे तो बहुत ही भयंकर बदबू भी आ रही है। और देखो दोस्तों ये हमारी मटकी हैं, ये हमारी मटकी राम है, ये यहाँ बैठी हुई है कूलर के सामने। ये सोच रही है कि कूलर चल जाए तो फिर क्या ही बात है, मज़े ही आ जाए। और दोस्तों ये जो छोटे वाला गन्नू है, इसने तो मेरी ऐसी रेल बना के रखी हुई है। देखो ये यहाँ पे ऐसे मटर के दाने अपनी डिंडियाँ इसने फैलाई हुई हैं। मैं इनका सारा दिन गोबर समेट समेट के दोस्तों परेशान हो जाती हूँ। और ये मैंने सुना है कि दोस्तों इनकी डिंडियाँ बहुत ही महंगी बिकती हैं, तो मैं इनकी डिंडियाँ भी इकट्ठी कर रही हूँ दोस्तों। क्या पता मैं रातों रात इनकी डिंडियाँ बेच के अमीर हो जाऊँ, क्या पता। और दोस्तों आज मैं अपने हस्बैंड को दोपहर के लंच में खिलाऊंगी बहुत ही कड़वी चीज, जो कि शायद ही किसी को पसंद आती हो, यानी कि करेला। अरे कहाँ गया करेला, हाँ ये रहा। तो ये है दोस्तों करेला आज जो कि मैं अपने हस्बैंड को दोपहर के लंच में खिलाने वाली हूँ, और वो ये खा के तो एकदम सरप्राइज ही हो जाएंगे, पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं अपना, जैसे कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं दोस्तों, या फिर और भी किसी को लगता है कि हम घर पे क्या काम करते हैं। देखो घर का क्या हाल हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, इसको ही समेटने में मुझे अभी आधा घंटा लग जाएगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। बज गए हैं दिन के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक हमारा काम धंधा ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी भी हम लगा रहे हैं पोछा। तो दोस्तों फटाफट अब हम पोछा लगा के नहाएंगे, और उसके बाद करेंगे हम पूजा, और फिर से हमारा लाइव आने का टाइम हो जाएगा दोस्तों। घर का काम करके दोस्तों हो गए हम फ्री, अब कर लेते हैं थोड़ा मेकअप सेकअप, थोड़ी लगा लेते हैं ये हम फेयर एंड लवली क्रीम, ताकि हम थोड़ा सा सुंदर सुंदर दिख सके। और दोस्तों फिर उसके बाद हमारा लाइव आने का टाइम हो जाएगा दिन के 12 बजे वाला लाइव दोस्तों, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे आपके लिए शॉर्ट वीडियो दोस्तों, लगाएंगे तो दोस्तों जल्दी जल्दी से तैयार श्यार हो जाते हैं, मेकअप सेकअप थोड़ा सा कर लेते हैं, और फिर बनाएंगे हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग के दोस्तों। तो देखो हमारा गुन्नू हमारे को प्यार कर रहा है, बोल रहा है कि आप हमको मत छोड़ो, मतलब मैं भी किसी को लूँ, मेरी तो छोना बहुत प्यारी है, मेरी छोना बहुत प्यारी है, ये नत्ता बहुत प्यारी है, जो कॉल ओ मेरा नत्ता तो मुझे पार भी कर लेगा कुछ कर दे। ये दोस्तों ना बहुत खतरनाक भी है, अगर इसका मूड खराब हो जाए तो फिर ये बहुत बुरी तरीके से काटता है। पांडे जी को तो इसने काट भी लिया, और मुझे भी काटने की कोशिश करता रहता है, अगर मैं इसको मटकिया के पास ना जाने दूँ तो फिर इसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है दोस्तों। लड़का थोड़ा सा लड़ कर दे। दोस्तों मैं इनको थोड़ा सा कुछ खाना वाना दे देती हूँ, अपने ये
चुन्नू मुन्नू को, और ये तो बहुत ज्यादा शरारती है, सारा दिन ये शरारते करते रहते हैं। और अब मेरा गुन्नू थोड़ा सा भूखा है, उधर मेरा मटकू भी खाने का इंतजार कर रहा है, और इनको अब हम दे देते हैं एक एक पत्ता। दोस्तों गोभी का पत्ता खाते हैं। लंच हमारा दोस्तों बन के तैयार है, लेकिन अभी तक हमारे पांडे जी आए नहीं है, हमारे पति देवता जी, और हम बच्चों को भी थोड़ा सा कुछ खाने को दे देते हैं, और दोस्तों हम भी खा लेते हैं चॉकलेट, क्योंकि हमको लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, थोड़ी सी एनर्जी शनर्जी बढ़ा लेते हैं, और फिर हम बनाते हैं दोस्तों शॉर्ट वीडियो। आ जाओ गोभी के पत्ते कौन खाएगा, जल्दी से आ जाओ, ये लो लो। गुन्नू को तो बहुत ज्यादा भूख लगी है दोस्तों, क्योंकि गुन्नू बहुत सारा खाना खाता है, क्योंकि ये अभी छोटा है, और ये मटकी रानी थोड़े से नखरे में रहती है हर वक्त। और दोस्तों अब ये मटकी रानी हमारी लग रहा है बच्चे भी देंगी, तो उनको डाइट का अब हमें रखना पड़ेगा ख्याल। जल्दी जल्दी खा लो फटाफट, डरो मत, खा लो, ये लो। वो बहुत प्राइवेसी मांगती है दोस्तों, अकेले रहना पसंद करती है, लेकिन ये गुन्नू तो हमारा बहुत ही ज्यादा नटखट है। ये सब खाना खा लें दोस्तों, और हम कर रहे हैं पांडे जी का इंतजार, आएंगे तो हमको भी कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा लंच संच में। आ जाओ बेटा खा लो, आ जाओ, मेरी नट्टा खा लेगी आके, आ जाओ, आपको अलग तो मैं। गर्मी की वजह से दोस्तों ये जल्दी, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो ये पत्ते सूख भी जाते हैं, इसलिए मुझे ये गीले कपड़े में फ्रिज के अंदर रखने पड़ते हैं, ताकि ये बच्चों का खाना थोड़ा हरा भरा बना रहे, क्योंकि ये हरा भरा खाना ही पसंद करते हैं दोस्तों, और ये सूखा हुआ खाना तो नहीं खाते हैं। शुरू से जैसा आप खाना खिलाते हो वैसे ये खाना खाते हैं, और मटकू तो लग रहा है आज ये सारा पत्ता खा के ही मानेगा, और मटकू तो बहुत स्पीड से खा रहा है, न्यम 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 न्यम, है ना मटकू, न्यम 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 न्यम, जल्दी जल्दी खा लो, मटकी से पहले खा लो। और मटकी भी दोस्तों खाने लग गई है, फिलहाल शुरू कर दिया है इसने खाना, और ये बहुत नखरे में रहते हैं, इनको अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है मेरे को। ये लोग मेरे को पागल कर देते हैं, ढेर सारी लिंडियां करके इन्हें ऐसे खाना भी अपने हाथ से खिलाओ, लिंडियां भी साफ करो दोस्तों, और ये मटकों, और ये बच्चे दे देगी तब मेरा क्या हाल होगा दोस्तों, पता नहीं है, मतलब कि कितने बेबी आएंगे हमारे घर में कुछ पता नहीं है दोस्तों, हमें इंतजार है अप्रैल लास्ट में ये बच्चे देगी दोस्तों। गुन्नू तो बिना हेल्प के ही खा रहा है, देखो कितना समझदार है, अपने आप ये खा ले रहा है, खा लो गुन्नू। करेले खाके देखो, हमने आपके लिए आज स्पेशल करेले बनाए हैं, खाके देखो। आपने आज स्पेशल करेले बनाए हैं? हाँ। अच्छा देखते हैं खाके नहीं। भाई साहब मजा आ गया, चेन सब बहुत अच्छे हो रहे हैं, भगवान का सम धन्यवाद, शुक्रिया, खाते थोड़े बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई, आप भी खा लो दोस्तों। आज हमारा गन्नू फाइनली जा रहा है, उसको अपना नया घर मिल गया है दोस्तों, और हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि गन्नू को किसी को दे देंगे, लेकिन कोई अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था, और मतलब आज उसको फाइनली घर मिल गया है दोस्तों, तो वो जा रहा है, और इसको लेके हम थोड़ा सा उदास भी हैं। गन्नू को हम इसलिए दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे पास पहले से फीमेल थी, और गन्नू को हम फीमेल ही समझ के लेकर आए थे, लेकिन वो मेल निकला, अब दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी दोस्तों, तो इसी यही कारण था कि गन्नू को हम दे रहे हैं, लेकिन गन्नू को बहुत अच्छा घर मिल गया दोस्तों, तो गन्नू आज फाइनली जा रहा है। अभी तो देखो बेड के नीचे बैठा, मैंने उसको थोड़ा सा खाना भी खिला दिया है, आ जाओ इधर आओ, जा रहे हैं हमारे आज गन्नू बाबा, अच्छे से रहना गन्नू, पांडे जी को लाड भी कर रहे हैं, अरे मेरा लिट्टा जा रहा है, बाय 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 गुन्नू, चला गया, बहुत ना मन दुखी होता है, मजबूरी में हमें देना पड़ गया दोस्तों, मतलब नहीं दे रहे थे हम, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे आपस में, और मुझे ऐसा लगता भी है कि मटकिया प्रेग्नेंट मतलब होगी, बच्चे देगी,
तो दोस्तों इतने सारे मुझे संभालने बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती, इस वजह से हमें देना पड़ गया। सो सैड, बहुत मन दुखी हो रहा है। मटकू भी ना मिस करेगा उसको बहुत। गया हमारा गुन्नू तो चला गया और हम दोनों उसको लेके थोड़ा सा उदास भी हैं। और हो गई है शाम दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं शाम की चाय। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगली व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद है, बाय बाय दोस्तों।